तो नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर। बिल्कुल सर। तो चलिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट है, अब इनका आज कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक फेयरवेल, आज इनका लास्ट डे है। तो थ्रू आउट हम इसे पूछेंगे कि शुरू से लेकर के अभी तक इनका कैसा रहा सफर, फर्स्ट डे से लेकर अभी तक का। तो चलिए बताइए, देव सर के साथ आपने हार्डवेयर अटेंड किया, कैसा रहा हार्डवेयर का सफर? सर, हार्डवेयर हमें बहुत बढ़िया लगा, मतलब कि इतनी डिटेल में कोई भी नहीं समझा सकता, इतनी डिटेल में सर ने समझाया हमें। जी, मतलब हार्डवेयर ट्रेसिंग का नॉलेज हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, सर ट्रेसिंग मतलब कि उस लेवल के हिसाब से कोई सिखा ही नहीं पाएगा। जी, YouTube में तो वो ज्ञान कोई दे नहीं सकता, और YouTube से वो ज्ञान लेके फायदा क्या है, आधा अधूरा ज्ञान लेके फायदा क्या है। जी जी जी, अपना काम धंधा खराब करना है। चलिए आप बताइए आपका नाम और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम उमेश भगवती, मैं उड़ीसा से हूँ। तो बताइए हार्डवेयर का सफर देव सर के साथ कैसा? बहुत अच्छा रहा सर। मींस नॉलेज वाला या बिना नॉलेज? नॉलेज वाला सर। नॉलेज वाला सर। तो हार्डवेयर से रिलेटेड अगर कोई आपके पास डाउट होता है, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। कंपोनेंट हो या फॉल्ट फाइंडिंग हो? यस सर। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और, बताइए अपना नाम और आपका। सर, मेरा नाम विक्रम है और मैं बिहार से हूँ। विक्रम जी, बताइए देव सर के साथ हार्डवेयर सेक्शन कैसा रहा? सर, यहाँ जो क्लास जो है ना सर, वो पूरा बेबी स्टेप से होता है, मतलब जिनको नए भी समझ में आता है तो उनको भी समझ में आ जाएगा, उनको भी समझ में आ जाता है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया जाता है और मजा भी आता है यहाँ पढ़ने में। मतलब आप जो सोच के आए थे वो पूरा होता है? जी हाँ, पूरा हो रहा है। चलिए, जब इनका हार्डवेयर कम्प्लीट हुआ तो उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर का सफर मेरे साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। तो सॉफ्टवेयर मतलब इससे पहले करते थे आप? नहीं सर, पहले नहीं करते थे। तो अभी कैसा? अब सारे नॉलेज मिल गया सर, कौन सा एरर में क्या या कोडिंग के हिसाब से हम कर पाएंगे, कोडिंग सबसे कर पाएंगे। तो आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सर, सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया था सर, पूरी कोडिंग का पता चल गया कि कोडिंग क्या होती है। मैं तो फ्रेशर हूँ चीज में, सॉफ्टवेयर लाइन में, सॉफ्टवेयर मैंने आज तक करा ही नहीं, बट अब सॉफ्टवेयर की काफी नॉलेज आ गई है। हाँ, अभी कोई भी फोन आया पता चल जाएगा कि टूल्स ज्यादा रखना अभी बेकार है, नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। चलिए, आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सर, बहुत बढ़िया सर। आपने मतलब वो फाइल रीड करने के बारे में जो बताया था, वर्जन का हो, उसके बाद डेट वगैरह, सर वो सब सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उससे मतलब कई मरते होता क्या था कि हम लोग नेट से मतलब फाइल डाउनलोड करते तो सेट डेट हो जाता था, समझ में ही नहीं आता था मतलब कौन सा फाइल, मतलब कौन सा वर्जन का है, किस में डालना है। अभी वो सब सर डाउट क्लियर हो गया है। चलिए, मैं पूछना चाहूंगा फाइनली, फिर उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलन सर साथ आप मिले एमएमसी क्लास में, जिसमें ब्लैक पेस्टेड डुअल टेकर और एमएमसी प्रोग्रामिंग कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा, मींस कैसा? बहुत सर, जो पढ़ाए ना स्टेप के बाय स्टेप, वो कोडिंग के हिसाब से पढ़ाए थे, वो कौन सा फाइल रीड करना है, कौन सा राइट करना है, कैसे बैकअप लेना है, कैसे राइट करना है, ये सब बारे डीप नॉलेज मिला है। डीप नॉलेज मिला सर। तो इतना नॉलेज था आपको? नहीं सर, पहले तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, यहाँ आने के बाद सब मिला। चलिए ठीक है, तो बताइए आपका मिलन सर साथ कैसा रहा? सर, मिलन सर ने बेसिक से स्टार्ट करा था, मतलब कि किसी को नहीं भी आता होगा ना तो वो भी करने लग जाएगा उस चीज को, करने लग जाएगा। तो आपने ब्लैक पेस्टेड हो और डुअल टेकर और प्रोग्रामिंग एमएमसी चेंज प्रोसेस ये सारा कुछ कर पाएंगे? सारा कुछ कर पाएंगे सर। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? सर, ऑल ओवर क्लास हमारी ऑसम रही है सर। चलिए, तो आपसे पूछना चाहूंगा मिलन सर साथ आपकी क्लास? सर, मिलन सर का क्लास जो है सर बहुत बढ़िया था, क्योंकि मिलन सर जो क्लास करवाए वो पार्ट बाय पार्ट था, और मतलब पार्ट बाय पार्ट जो करके मतलब क्लास करवाए तो मतलब एकदम पूरा सिंपल तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट आया। और सबसे बढ़िया मतलब मिलन सर का वो ब्लैक पेस्टेड जो निकालने के बारे में जो बताया वो भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद डबल टेकर जो है उनको रिमूव करना, रिवॉल्व करना, वो भी मतलब टेम्परेचर वगैरह जो है, और हैंड स्किल जो बताएं तो वो बहुत बढ़िया लगा हमको सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी के जो स्टूडेंट है वो मिलन सर पूछेंगे इनका थ्रू आउट कैसा रहा। मैं वही पूछना चाहूँगा कि हार्डवेयर का जो सॉफ्ट सफर है, आपने देव सर के साथ शुरुआत किया काउंसलिंग क्लास से, आप कैसा रहा सफर, आपके क्या ज्ञान लेके जा रहे हैं यहाँ से हार्डवर्क? बहुत बढ़िया रहा सर, फ्रेशर होते हुए भी मतलब समझ में सब कुछ आ रहा था सर, इतना अच्छे तरीके से बता रहे थे। और पर डे मतलब जिस तरह से शुरू करना चाहिए, जिस लेवल से, उस लेवल से शुरू करके और हाई लेवल तक पहुँचाया। आपका कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, हम तो मतलब 12 या 13 साल से काम कर। डेट सेक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। आपका कैसा रहा देव सर के साथ सफर डे वन से लेके अभी? सर बहुत अच्छा रहा सर, हमको तो ये पता नहीं था कैपेसिटर, हेडलाइन डायग्राम पढ़ना, ये हमको नहीं आता था सर, कुछ नया पूरा फुल नया थे। सॉफ्टवेयर का नॉलेज कैसा रहा दुर्गेश सर के साथ आपका? सॉफ्टवेयर का बहुत बढ़िया रहा सर, सर का समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया और सब समझ में भी आया बहुत अच्छे तरह से। आपका कैसा रहा सॉफ्टवेयर? बहुत अच्छा रहा, पहले हम लोग फाइल्स के बारे में जानकारी नहीं थी, कैसे लोड करना है, लोड करते थे 4-5 फाइल कर देते, होता था नहीं होता था, सर ने कोडिंग बताया, उस कोडिंग के हिसाब से करेंगे। आपका कैसा रहा सर? सर सफर बहुत बढ़िया रहा सर, जो सिखाए सर जो, और सर लिखा भी दिए हैं जो, अगर
अगर कुछ ये हो जाए तो उसमें देख के भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे से मिले ईएमसी की क्लास में, उसमें ब्लैक पेस्टेड ईएमसी चेंज करना, यूएफएस और ड्यूल डेकर के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, कैसा रहा उसका सफर और आपको किस तरीके से समझ में आया किस लेवल पे? बहुत बढ़िया समझ में आया सर, हैंड स्किल कैसे मतलब किस लेवल किसे निकालना है ब्लैक पेस्टेड को, कैसे रिवॉल्व करना है वो बताने का तरीका बहुत अच्छा था। और प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग भी रीड करना है कैसे, कैसे राइट करना है, कैसे इरेज करना है, लेकिन आपने जिस ढंग से पढ़ाया और आपका हैंड स्किल देख कर हमें लगा कि हम ही मेहनत करेंगे तो हमारा भी वैसा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का हैंड स्किल इतना अच्छा नहीं था, बड़ा तेज से काम करने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाते थे, इसलिए मैं आया था और आपका वीडियो देख रहे हैं। और बताइए कैसा रहा सफर मेरे साथ आपका? सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा सर, एमएमसी के बारे में जो प्रोग्राम होता है सर बहुत अच्छा रहा, जो रीड राइट करना और जो और भी सिखाया सर, एमएमसी चेंज करना डबल टिकर से रिबोलो सर बहुत अच्छा रहा सर। चलो थैंक यू वेरी मच, आप अपने एरिया में जाइए और अपने एरिया में अच्छा सा नाम करें, अपना नाम करें, ऐसे टेलीकॉम आपके साथ जिंदगी भर जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।